हेलो बच्चों, कैसा गया पेपर? बहुत इजी था बोलना है ना, लेकिन अब उसमें क्या है कि में थोड़ा सा मिस्टेक है जिसको मैं भी ठीक करके बताता हूँ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं तो आपका, और पूरा भी करने का पूरा मैं आंसर्स की सॉल्यूशन के साथ बताता हूँ। कल मुझे बताइए कि दिमाग उसमें चेंजेस आएंगे अभी आपको। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, कॉन्स्टेंट प्रेशर में डेल्टा एच और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या आता है? डेल्टा यू। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, फर्स्ट का आंसर बी डेल्टा एच। सेकेंड आंसर गलत हो गया है, मतलब क्वेश्चन बराबर है उसका की गलत हुई है। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर रिलेटेड एज, दोनों का रिलेशन, उसका आंसर डी होना चाहिए। उसका आंसर आएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये आंसर है उसका। वहाँ आप इसमें गलत हुआ है। और क्वेश्चन थर्ड देखिए अभी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंग टू सेम कैटेगरी, ऑल एक्सटेंसिव और ऑल इंटेंसिव होना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर में जाएगा, सारे होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डी जो है वो ऑल कैसा है, यहाँ पे एक्सटेंसिव वहाँ लिख दे तो आपको समझने में आसान हो जाएगी। एक्सटेंसिव है ये सारे, उसके अंदर लिखा है एंथैल्पी, इंटरनलॉजी, ठीक है, वॉल्यूम, ये सब क्या रहेगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है सारी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, रिगार्डिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है इंटर, रिगार्डिंग इंटर, तो उसका आंसर मैच होता है बी, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो डिफरेंस निकालना पड़ता है, इसका आंसर बी होगा फोर्थ का। फिफ्थ देखिए, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसमें क्यू इक्वल्स टू जीरो होता है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन सिक्स, सिक्स है न्यूमेरिकल, इधर करता हूँ, क्वेश्चन सिक्स न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन सिक्स क्या बोल रहा है, द एंथैल्पीज ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर दिया है, उसकी वैल्यू -390 किलो जूल कार्बन के दी हुए, -278 कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसका आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, ऐसा बोल रहा है वो क्वेश्चन। तो यहाँ हाफ डाल देते, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट को मैं पी लिख देता हूँ, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट को मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट है और कार्बन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है इसके अंदर, -278 माइनस, और इसकी वैल्यू दी है -390, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा -278, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 390, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 112 प्लस में आएगा 12 किलो जूल, मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए सिक्स का सी होना चाहिए। देख लीजिए आया। अब सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन एट्थ देखिए, हेज़ेस लॉ डील्स विथ, इसका आंसर ए होना चाहिए, जिसके आंसर मालूम फटाफट बता देता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नाइन्थ, हाँ क्वेश्चन नाइन बोल रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर्स डोर इज ओपन, अगर फ्रिज का डोर ओपन कर दिया तो आपको लग रहा है कि ही वो क्या नाम, फ्रिज ठंडा होता है तो वो कूलिंग करेगा, नहीं वो हॉट करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आया, ए और सी ऑप्शन दिया, तो उसका सही आंसर नाइन्थ का होना चाहिए ए। वो बोल रहा है कि रूम गेट्स हीटेड, ये आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन टेंथ बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298, रिएक्शन दिया हुआ है उसका, क्वेश्चन नंबर टेंथ का रिएक्शन दिया है H2, ये गैस है, प्लस हाफ O2 ये भी गैस है, गिव्स वहाँ ऐसा गिव्स में एरो नहीं डाला, ऐसा कहिए भी ये आपका लिक्विड है, ठीक है ना। बोल रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट इज करेक्ट, तो अब इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, बराबर है कि नहीं? देखिए ये फॉर्मूला है, आपको याद आ रहा है कुछ, आया कुछ याद या नहीं? देखिए तो अभी देखो यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू प्लस, अब देखो
डेल्टा एन की जो वैल्यू है इसके निकालना आपको आना चाहिए। डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, एन टू माइनस एन वन प्रोडक्ट माइनस एन, प्रोडक्ट तो अब यहाँ पे लिक्विड है, ये सिर्फ गैस के लिए अप्लाई कर, जी लिखा है गैस के लिए, तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट जीरो है, यहाँ पर गैस ये वन है, ये वन है, तो 1.5 मतलब आपका आ जाएगा माइनस 1.5। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर आपका याद रखना है ग्रेटर देन ज़ीरो है, कैसा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एच, ये मतलब डेल्टा एच जो रहेगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, ज़ीरो से ज़्यादा होगा तब, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है क्या क्या है और कम होगा, ठीक है ना, अगर ज़ीरो से ज़्यादा होगा तो ये होगा और कम होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस वन पॉइंट, तो मतलब ज़ीरो से कम है ना, ज़ीरो से कम है, इसका मतलब इसका जो आंसर है ये हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा, इसका इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो से कम है इसके लिए, तो इसके यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, ये आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर सी होने वाला है, देख लीजिए आ गया 10 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, गड़बड़ है ना बहुत ऑप्शनों में, ऑप्शन बहुत गड़बड़ करके रखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। आप देखो द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे दिया है इथाइन को ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाए, इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसको हीट कर रहे हैं, तो 11 का आंसर तो बहुत आसान है, ए 12 बाबा 12 देखिए, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच, तो इसका आंसर दो दिए हुए ए और डी दिया है, तो इसका आंसर डी करेक्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, आइसोलेटेड सिस्टम में से होगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, द डेल्टा एच फॉर द कंबशन ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा एच फॉर कंबशन में तो ऑलवेज नेगेटिव, इसका आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन 14, वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज, इसका आंसर सी होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर बोले ना आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसका आंसर सी करेक्ट है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बराबर है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, मोलार हीट कैपेसिटी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन 16, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच हैज़ पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 17, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो इसका आंसर बी होगा, बताता हूँ क्यों होगा बी, क्योंकि वर्क होगा तो वो आपका स्टेट फंक्शन है, लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस वर्क होगा तो फिर आपका वो होगा स्टेट फंक्शन, ये ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन कर सकता है, Q प्लस W होगा तभी वो स्टेट फंक्शन है, सिर्फ वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, ये आप याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है इथीन को कंबशन किया तो बने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उसमें टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू दिया है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पूछा उसने, चलो निकाल के देख लेते हैं इसका भी। तो अब देखिए क्वेश्चन 18 ठीक है, तो अभी हम 18 लिखते हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू दी 145 दिया माइनस डेल्टा यू निकालना है आपको, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आएगा माइनस टू, ठीक है ना, इंटू 0.0084 इंटू 298 बराबर है। अब डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकाली है यहाँ बता देता हूँ, डेल्टा एन ये तो बहुत आसान है, एन टू माइनस एन वन, एन टू इक्वेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से, तो टू प्रोडक्ट में है और फोर रिएक्टेंट में, तो इसका आंसर माइनस टू आता है, उसके लिए ऐसा लिखा है, ये देख लीजिए इक्वेशन से आता है वो निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 145 डेल्टा यू, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट निकाल के रखा है मैंने, 5 पॉइंट माइनस में आएगा, माइनस 5.0064 आएगा, मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 139.99, ठीक है, और उसके वहाँ पे 40 दिया है पूरा राउंड अप करके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए माइनस 140 किलो जूल, राउंड अप कर दिया इसको, ठीक है ना, ऐसा निकाला देख लीजिए आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 18। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पे। होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, उसमें एक ही फेज होता है, तो 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन 20, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। उसका आंसर आ जाएगा 20 का बी। 21 देखिए, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट विच इज नॉट एक्सटेंसिव। इन चार ऑप्शन में से टेम्परेचर एक्सटेंसिव नहीं है, टेम्परेचर एक्सटेंसिव नहीं, क्योंकि ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन गलत नहीं है, उसमें की में गड़बड़ हो गया है, वो मालूम है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हाईएस्ट इन, हाईएस्ट किस में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन, मतलब आंसर बी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 23, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंपाउंड बनाए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही होगा ना, तो बी आंसर। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका आंसर सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो याद कर लीजिए पूरे एग्जांपल। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अभी बता, सिंगल वर्क नहीं होता है, आंसर ए है, बाकी सब है, देख लीजिए एंथैल्पी है, पढ़ के देख लीजिए आप। अच्छा, फॉर एन आइडियल गैस द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू एंड एंथैल्पी चेंज, तो उसका तो फॉर्मूला है वो तो सीधा, तो सी है ना। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसका आंसर आएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब फ्लो ऑफ गैस लो से नहीं, लो टू हाई बोल रहा है, हाई टू लो होता है, इसका आंसर सी होगा। 28, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहा है विथ वन मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो किलो जूल में तो 57.32 होता है, लेकिन कैलोरी किलो कैलोरी में होता है वो 13.7, मतलब आंसर बी करेक्ट है इसका। 28 का बी। 29, इन अ रिएक्शन इफ द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच का वो ज़्यादा रहेगा रिएक्टेंट से, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए करेक्ट है 29 का ए। 30 देखते हैं, क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन सिंपल आइसोथर्मल रिवर्सिबली, इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन 31, द एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज जीरो, हिंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव, मतलब आंसर डी 32, ये तो फॉर्मूला है, इसका आंसर सी होगा, देख लीजिए आ जाएगा 32। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट कॉन्स्टेंट ऑपोजिंग प्रेशर इज गिवन बाय सी, ऑप्शन करेक्ट है। 33, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन बोला उसने, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, ये डिफरेंस बोला है ना उसने, देख लें डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोला है, बराबर है, इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर अभी आपका डेल्टा एन गैस आर टी। अब देखिए डेल्टा एन निकालना है, इक्वेशन से निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दिया है बेंजीन लिक्विड स्टेट, फिर 15 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब मैं डेल्टा एन निकाल लेता हूँ पहले, N2 माइनस N1 डेल्टा, तो इसका हो जाएगा प्रोडक्ट है आपका दिया हुआ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब 12 माइनस 15 मतलब हो जाएगा इसका माइनस 3, ये डेल्टा N आ गया, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू R की वैल्यू फिक्स होती है 8.314 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 मतलब 298 केल्विन, ठीक है ना। अब इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करके मैंने रखा है -7.43, ठीक है, आंसर कहाँ मैच होता है इसका, 7. ए आंसर होता है, माइनस में ए आंसर, इसका ए आंसर आएगा, देख लीजिए कर सकते हैं ना, देख लीजिए 33 हो गया। अब 34 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, ये भी न्यूमेरिकल है 34 आपका,
34 क्या बोल रहा है देख लीजिए, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ येलो फॉस्फरस एंड रेड फॉस्फरस आर. क्वेश्चन नंबर 34, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच, ये आपका येलो फॉस्फरस का ऐसा लिख देता हूँ, इससे आप बनेगा एच, हीट ऑफ फॉर्मेशन एच येलो लिख देता हूँ फॉस्फरस, और एच यहाँ लिखता हूँ रेड फॉस्फरस, ऐसा कर लेता हूँ ठीक है शॉर्ट में. तो अभी यहाँ पर आपका फॉर्म आएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट. अब देखिए यहाँ पे येलो और रेड का, तो यहाँ पे येलो की वैल्यू है 9 और रेड की है, तो रेड जो है वो प्रोडक्ट है, तो मतलब उसकी वैल्यू है -8.78 माइनस इसका -9.91 ठीक है. अब ये हो जाएगा 8.78 प्लस साइन हो जाएगा 9.9. अब ये से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.13 प्लस में आ जाएगा किलो जूल, तो प्लस में मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका, ऐसा करना है ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 35 देखिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन, तो वॉल्यूम में चेंज होगा, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी. 36 देख लीजिए, द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपांड फ्रीली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम जीरो होता है मतलब सी का आंसर इसका सी होगा, जीरो मतलब सी में दिया हुआ है. फिर आगे न्यूमेरिकल 37, द कंबशन ऑफ बेंजीन एट 273 केल्विन रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसमें निकालने के बोला है द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, कुछ नहीं है नंबर ऑफ मोल्स मतलब 37, तो बेंजीन लिक्विड ऑक्सीजन मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, निकाल यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व कर देता हूँ, एक 37 इधर लिख देता हूँ 37, तो डेल्टा एन इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन, तो बेंजीन लिक्विड उसको नहीं लेना पड़ेगा, इधर 6 है तो 6 माइनस यहाँ पे 7.5 मतलब -1.5 इसका आंसर मैच होता है सी, ऐसा करना पड़ता है. अरे सर हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38. नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, तो उसमें एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल नहीं आएगा, डी आंसर आएगा इसका 38 का डी आंसर. 39 देख लीजिए, द रिएक्शन एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, वो आपको मैक्सिमम एनर्जी की ना तीन वहाँ पे कंडीशन दी, उसमें से एक मैच हो जाएगी, इसका आंसर ए आएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड में ये रहता है इक्वल हो जाता है वो. 40 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एच यू पी वी, तो उसका आंसर आएगा बी, फॉर्मूला बन जाएगा. 41, व्हेन आयन सॉलिड है डिजॉल्व इन एक्विस एसीएल इनक्लोज्ड वेसल बोल रहा है, तो वर्क डन जीरो ही होगा मतलब सी आंसर. 42, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो डेल्टा यू जीरो होता है मतलब इसका आंसर सी. 43, एन एडियाबेटिक प्रोसेस वन इज, तो उसमें क्यू जीरो मतलब सी. 44, तो वर्क डन इन अर्थ बोल रहा है फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 to 20 लीटर एट ऑल, जिसको अरेंज करना है, अर्ग में 10^7 होता है, इसलिए आंसर इसका बी मैच हो रहा है. 45 आ जाएगा यहाँ पर, 45 बोल रहा है इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो प्रेशर जीरो होगा मतलब सी आंसर. 46, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन में होगा, इसका आंसर डी आएगा. 47 क्या बोल रहा है, द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन वैक्यूम इज जीरो बिकॉज, क्योंकि वहाँ कोई वर्क नहीं होता, इसका आंसर ए होगा. क्वेश्चन 48, इन आइसोचोरिक प्रोसेस, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर सी है. 49, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज, इसका आंसर ए है. और क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है, सर्टन गैस एक्सपांड फ्रॉम 10 dmq to 35 dmq आइसोथर्मली बाय एब्जॉर्बिंग 413 किलो जूल ऑफ हीट, व्हाट इज द वर्क डन निकालने बोल रहा है, तो अभी यहाँ पर हम फॉर्म यूज करेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, तो आपको याद रखना है डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगा फॉर
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बराबर है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा यू आपका जीरो हो गया, तो अब यहाँ पे जीरो हो गया तो क्यू की वैल्यू है 413 प्लस डब्ल्यू, ओके तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस 413, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसका किलो जूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरा पेपर का, ठीक है। पेपर के की में थोड़ा गड़बड़ है, उसके लिए मैंने उसको करेक्शन कर दिया, वो देखा नहीं मैंने उसको बराबर, कोई बात। अब नेक्स्ट टाइम मैं की डालूंगा ही नहीं, मैं अब जो भी करूंगा पेपर क्वेश्चन भी दूंगा कि हमारे से डिस्कशन करेंगे आराम से, अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कल मुझे बताइए इसके कितने मार्क्स में आपको मिलते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है ना। चलिए ओके।